अब कटेगी मेरे साथ, चलो ये पकड़िए तो भैया फूट गया। सभी को सुप्रभात। अतिथि ब्रिगेडियर एजी बरबरे, कमांडर एनआरटी ब्रिगेड। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कमांडर साहब से अनुरोध करूँगा कि वो इस शुभारंभ समारोह का रिबन कट करके शुभारंभ करें। सर हाँ जी, बेसिक है, बेसिक तैयारी करना, हाँ मेकअप करना। हाँ तो आप उनको इनको ये जरूर बताना आपने कि आप सिखाएंगे पक्का। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर वो मेकअप टेस्टिंग करते हैं, पहले उसको टेस्ट का किसी किसी को केमिकल्स की एलर्जी होती है, वो स्किन स्किन चेक करके फिर ही अगला क्रीम लगाएगी। कई लोगों को ये पता नहीं चलता, आमतौर से हम लोग नाम देख के टीवी पे ऐड आती है या ब्रांड देख के हम करते हैं, ब्रांड में गड़बड़ी नहीं होती, बट बाकी सारे ब्रांडों का हमें पता नहीं चलता। ये जरूर आप ये सिखाई जरूर करना, और जो कि मेकअप कर दी जो भी आप किसी और को करेंगी वो तो साफ सुथरा साफ सफाई का ध्यान वो बहुत जरूरी है, नहीं तो दे कैरी इन्फेक्शन स्प्रेड इन्फेक्शन। चलो बस। मैं सरपंच प्रिया शर्मा, पंचायत मोटी मार्ग की तरफ से आरटी यूनिट रखमुंडी के कमांडर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जहाँ पे वोकेशनल सेंटर के लिए उद्घाटन का प्रोग्राम किया और उसमें आके अपना जहाँ पे आके उन्होंने भाग लिया, ठीक है, जहाँ पे हमारी पंचायत में आर्मी द्वारा सद्भावना के प्रोग्राम के द्वारा जहाँ पे एक ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर वुमेन के लिए खोला गया है, जिसमें सिलाई कुकिंग और पार्लर का काम सिखाया जाएगा। हमारी जो भारतीय सेना है वो हर काम में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, जैसे कि मेडिकल कैंप लगवाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों के लिए, स्कूलों में भी कंप्यूटर जो है सद्भावना के द्वारा दिए जाते हैं, और भी बहुत से काम जो है भारतीय सेना, जैसे कोई बाढ़ में अगर फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से निकालती है, हर जगह ऐसे ही वुमेन्स को आगे करने के लिए इन्होंने बहुत सारे सेंटर खोले हैं, जैसे आज हमारी पंचायत में खोला गया है, ताकि बहुत सी औरतें बेटियाँ जो हैं अपना जो स्किल है उसको अपने अंदर छुपा के ना रखें और आगे बढ़कर आए और सेल्फ ब्रांडेड बने सोसाइटी में, समाज में, ठीक है। इस सेंटर के द्वारा हमारे 2-3 पंचायतों की लड़कियों को वगैरह को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, जिससे वो अगर अच्छी तरह से सीख जाएंगी और इस सेंटर को हम आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे थोड़े थोड़े लोग सीखते जाएंगे उससे आगे भी हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सेंटर खुलिया चाहने के लिए जिन्हें भी सारियाँ पहल हैं वो अपने आत्मनिर्भर अपने पर स्टैंड रोन, जिन्हें कि सरों ने आख्या कि अगर जेंट्स काम कर सकते तो ओर कन्या लेडीज़ ने भी काम करना चाहिए, तो आस्ता अपनी तरफ तो पूरा करके कि जिन्हें भी सारियाँ पहल हैं अपने मेहनत करने अपने पैर पर स्टैंड रोन।